भारत के मित्र रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रू अवार्ड देने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसको मंजूरी दे दी है। रूसी दूतावास ने अपने एक बयान में कहा, 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट एंड्रू यानी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि ये सातवां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जावेद मेडल से सम्मानित करने का फैसला लिया था। गौरतलब है कि इससे पहले भी पीएम मोदी को 2016 में सऊदी अरब के सबसे बड़े नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शॉस अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही साल 2016 में ही पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्ला खान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल ही पीएम मोदी को दो और प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां फिलिस्तीन ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीएम मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके बेहतरीन कार्य के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में भारत का दबदबा और अधिक बढ़ा है। भारतीय प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना इस बात का ताजा प्रमाण है। गौरतलब है कि भारत और रूस के संबंध कई दशकों से काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि कुछ समय के लिए दोनों देशों के संबंध में थोड़ा ठहराव आया था, लेकिन हाल के वर्षों में भारत और रूस के आपसी संबंधों में काफी गर्माहट आई है और इसकी वानगी तब देखने को मिली थी जब पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और अमेरिकी विरोध को नजरअंदाज कर मोदी सरकार ने रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच ये डील लगभग 40,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।